मिश्रा का पिया वाकई बड़ा अलबेला है, कब रक्षक बन जाता है कब भक्षक बन जाता है ये उसे खुद नहीं पता चलता। हमें ये नज़ारा देखकर यकीन ही नहीं होता कि ये वाकई पूजा के नरेन हैं, क्योंकि जो नरेन कल तक पूजा को खुद जिंदा दफन करने चले थे, आज उन्होंने ही पूजा की जान बचाई है। हाँ, किडनैप तो किया है, वो उनको बताना चाहते थे कि उसको बंदी बनाकर चेयर पे बिठाकर हाथ पैर नहीं चल रहे हैं पूजा के, तो उन्हें फील करवाना चाहते थे कि कैसे सुप्रिया माँ फील कर रही होगी, उनकी माँ फील कर रही होगी, तो वही सजा वो पूजा को देने की कोशिश कर रहा था। पूजा, जब आपकी और आपके नरेन बाबू की ये गुत्थी सुलझ जाए तो जरा हमें भी बता दीजिएगा कि आखिरकार नरेन चाहते क्या हैं? वो आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने जिंदगी की रानी बनाना चाहते हैं, या आपको मारकर आपसे अपना बदला पूरा करना चाहते हैं? अनुज के नए अवतार के बारे में पूजा को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, पूजा ने व्यास एम्पायर के ऑफिस में अनुज की आवाज़ सुनी है, और जितने में वो अनुज को ढूंढने जाती है या देखने जाती है, उतने में ही उन्हें नरेन नज़र आ जाते हैं, और नरेन से छुपने के लिए वो छुप जाती हैं, और वो भूल मतलब फिर उसके बाद वो आगे पता नहीं कर पाती है कि आवाज़ कहाँ से है। वैसे यहाँ नरेन बाबू के साथ साथ एक और गुत्थी उलझ रही है, वो है पूजा के भाई अनुज की। अब पूजा का भाई अनुज नरेन के ऑफिस में वेश बदल कर क्यों घूम रहा है, ये तो पूजा को भी नहीं समझ आ रहा। इसे चीज का पता लगाने पूजा अपने भाई की जासूसी कर रही है, और पूजा अपने नरेन को कब यकीन दिला पाएगी कि वो हमेशा से नरेन की ही है और नरेन की सिर्फ और सिर्फ भलाई चाहती है, क्योंकि इस बात का अब तो दर्शकों को भी इंतजार है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।